नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जॉटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। आज का जैसे आपका अपना सब्जेक्ट है वो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि काकाटेल के ऊपर बात करने वाले, जैसे मतलब काकाटेल के बारे में जो जानकारी है वो डिटेल से लेने की कोशिश करेंगे। जैसे ये कहाँ से पाया जाता है, इनका कलर क्या होता है और डाइट में ये क्या खाना पसंद करते हैं, अगर काकाटेल पालना है तो केज का साइज़ क्या रखना चाहिए, इनकी ब्रीडिंग उम्र क्या होती है, सही ब्रीडिंग उम्र क्या होती है, कौन सी उम्र में ये ब्रीडिंग पे आ जाता है, और जैसे इसमें डिसीज भी आते हैं, जो बीमारी आती है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और इनका आइडेंटिफिकेशन, जैसे मेल फीमेल पहचानना है तो किस तरह से पहचाना जाता है, और सबसे आखिरी में ये देखेंगे कि इनके जो बच्चे मरते हैं तो बच्चे क्यों मरते हैं, उसकी वजह क्या होती है, इसके बारे में भी डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि सब इन्फॉर्मेशन आपको आप तक पहुँच जाए और कोई इन्फॉर्मेशन ना छूटे। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो चलो चालू करते हैं वीडियो को और काकाटेल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे काकाटेल ऑस्ट्रेलियनी बर्ड कहलाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ही पाया जाता है, और इसकी लंबाई जो होती है ये 12 से 15 इंच होती है, और इनकी खूबसूरती के ऊपर से ही इनको पाला जाता है मतलब, और ख़ासतौर से सिंगिंग भी अच्छी तरह से कर लेता है। और इसके उम्र के बारे में अगर बात करेंगे तो उम्र ये 15 से 20 साल आराम से जी लेता है, लेकिन आपका केयर अच्छा है, आपका रखरखाव अच्छा है और डाइट अच्छा है तो ये 30 साल तक भी जी लेता है। जैसे ये बर्ड के स्वभाव के बारे में बात करेंगे तो ये एकल स्वभाव का होता है, मतलब झुंड में रहना पसंद नहीं करता, अकेला रहना काफ़ी अच्छा पसंद करता है। और जैसे आप पालोगे भी तो सिंगल केज में रखना ही बेहतर रहेगा ताकि ब्रीडिंग अच्छी मिल पाए, और कॉलोनी में रखोगे तो कॉलोनी में ब्रीडिंग सही ढंग से नहीं मिल पाती है क्योंकि ये काफ़ी मासूम और डरपोक होता है, काफ़ी डरता है ये, इसलिए इसको सिंगल या मतलब दो चार बर्ड ही आप रख सकते हैं। अब इसके कलर के बारे में अगर बात करेंगे तो ये कलर में ग्रे, वाइट, वाइट, येलो और येलो शेडेड ग्रे मिक्स बहुत सारे अलग अलग कलर मिलते हैं, जैसे येलो और ग्रे शेड में। तो जैसे आप शुरू में बर्ड अगर पालना चाहते हो तो ग्रे कलर और येलो कलर में पालो ताकि ये बर्ड हेल्दी रहता है और काफ़ी फ्रेंडली रहता है। जैसे ये अभी आपको ये बर्ड दिख रहा है, ये मेल है, मेल इसके जो पंख फैला रहा है इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, मेल के पंख के अंदर कोई भी डॉट नहीं रहता है, येलो कलर का जो डॉट होता है वो कोई भी कलर नहीं होता है। ये अभी सिंगिंग मोड में है और काफ़ी अच्छी सिंगिंग कर लेता है, आपको मतलब जिसके बारे में जानकारी होगी जैसे इसने पंख फैलाया वैसे आपको समझ में आ जाता। और जो दूसरा बैक साइड में दिख रहा, दूसरा एक और आइडेंटिफिकेशन ये भी होता है कि इनके जो गाल के ऊपर चीक होता है तो ये मेल का डार्क होता है और फीमेल का जो होता है वो हल्का लाइट होता है, और फीमेल के फेदर के ऊपर येलो से डार्क होते हैं जो इमेज में आपको दिख रहे, तो समझ में आ जाता है कि मेल फीमेल के अंदर का डिफरेंस। लेकिन मेल फीमेल के डिफरेंस अगर देखना है आपको तो ये एडल्ट उम्र में ही पता चलता है, जैसे 8 से 10 साल में जैसे पुराना फेदर मोल्डिंग करके नया फेदर जब आता है तभी पता चलता है, क्योंकि बच्चों के अंदर दोनों मेल फीमेल के अंदर ये डॉट कॉमन है, कॉमन दिखती ही है, तो उससे आपको क्लियर पता ही नहीं चलेगा। तो इनका एक बार जैसे मोल्डिंग हो जाता है मतलब पुराने फेदर निकल जाते हैं और नए फेदर आते हैं तभी इनका मेल फीमेल आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, और ये फेदर मोल्डिंग जो है वो 8 से 10 महीने की उम्र के बाद ही होता है और तभी से वो यंग होता है बर्ड। अब इनके डाइट के ऊपर बात करेंगे तो डाइट में ये सीड मिक्स काफ़ी पसंद करता है, सीड मिक्स में कंगनी दाना, बाजरा और सनफ्लावर, खासतौर से सनफ्लावर और बाजरा बड़े चाव से खाता है, कंगनी दाना बहुत कम खाता है, और वेजिटेबल फ्रूट्स में जैसे गाजर वगैरह आप दे सकते हैं, एप्पल भी खाते हैं और पालक, मेथी, धनिया ये भी अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन उतना जैसे जिस तरह से सनफ्लावर वगैरह खाता है सीड मिक्स में उस तरह से ये बाकी चीज़ नहीं खाते, लेकिन आपको देते रहना है। अब बात करेंगे केज के ऊपर, अगर केज आपको एक पेयर रखना है, एक मेल फीमेल रखना है तो कम से कम 2.5 फीट बाय 2 फीट का केज आपको रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से फ्लाई कर सके और हैप्पी रह सके, क्योंकि और ऐसी जगह रखना है केज को कि जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि इनको प्राइवेसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है तभी ये ब्रीड करता है, नहीं तो आपके घर में ब्रीड नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे ही मैंने काकाटेल लाए थे और ओपन कॉलोनी में रखे थे तो उनका ब्रीडिंग रुक गया था, और जैसे ही सेपरेट केज दिया उनको तो फिर से ब्रीडिंग चालू हो गया। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ब्रीडिंग अगर लेनी है तो इनको आइसोलेट कंडीशन में ही रखना है। अब ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे तो ब्रीडिंग ये जैसे बच्चा निकलता है, मटकी से निकलता है तो 12 10 से 12 महीने में या 8 महीने से ये एडल्ट हो जाता है और ब्रीडिंग कर सकता है।
लेकिन अगर आप 10 से 12 महीने में ब्रीडिंग लोगे तो एक बाइंडिंग का एक प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए इनका बेस्ट उम्र जो है ब्रीडिंग का वो 18 महीने का ही माना जाता है, क्योंकि 18 महीने के बाद ये अच्छे से बच्चों को भी पाल सकता है और वो अंडे जो देता है वो भी फर्टाइल अंडे निकलते हैं। और शुरू में अगर 10 से 12 में अगर आप ब्रीडिंग लेना चाहते हो, पेयर लगाते हो, तो उसमें फर्टाइल अंडे भी नहीं निकलते और अब जो बच्चे निकलते हैं उनको भी फीडिंग अच्छे से नहीं कराते। तो इसलिए आपको मतलब घाई ना करके इनको अच्छे से पालना है और 18 महीने बाद ही ब्रीडिंग लेना है। और एक खास बात बताने लायक रहेंगी कि ये बर्ड के अंदर खाली मेल ही सिंगिंग करता है, उससे भी आपको मेल फीमेल का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। फीमेल ये सिंगिंग नहीं करता है, मेल ही सिंगिंग करता है। अब बात करेंगे जैसे इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है, तो बड़ा बर्ड होने की वजह से अगर आपका डाइट अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इनको विटामिन वगैरह अच्छे से देते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एक जो थोड़ा प्रॉब्लम आता है वो आई इन्फेक्शन का, और दूसरा आता है कि ये इनके कम उम्र अगर ब्रीडिंग लेते हो तो एक बाइंडिंग का, बाकी और एक तीसरा प्रॉब्लम आता है इनका फेदर प्लकिंग का। ये खाली समय में अपनी खुद के फेदर नोचते रहता, या जैसे बच्चे निकलेंगे तो उनके फेदर नोचते रहता, तो उनके केज में हरदम कोई तिनकिनुमा चीज़ पड़ी रहनी चाहिए ताकि उनको फेदर नोचने का आदत ना लगे। अब तिनकिनुमा चीज़ मतलब कोई सूखा घास रख सकते या मेथी पालक के डंकल, सूखे वाले डंकल, तो उनको खाली टाइम में वो नोचते रहते हैं, तो उनकी जो आदत है वो भी पूरी हो जाती है, हैबिट जो है वो भी पूरी हो जाती है। अब जैसे बात करेंगे आखिरी में तो ब्रीडिंग ये ठंडी के अपेक्षा गर्मी के दिनों में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, ठंडी में भी कर लेते हैं लेकिन गर्मी में काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग मिलती है। खाली एयर सर्कुलेट होते रहना चाहिए उनके चलिए। अब ब्रीडिंग के समय इनके बच्चे क्यों मरते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बर्ड तो पाल लेते हैं, बर्ड पालने के बाद उनको मतलब क्रेज लगा रहता है कि बच्चे अंडे बच्चे कब होंगे, लेकिन बच्चे निकलते हैं और बच्चे निकलने के बाद 3-4 दिन में ही या 5 दिन में ही बच्चे मरना चालू हो जाते हैं। तो उसमें मेन कारण जो होता है, अपन जो सीड मिक्स देते हैं, सीड मिक्स में अपन इनको सनफ्लावर देते हैं, तो ये बर्ड सनफ्लावर को ऊपर का छिलका नीचे ऐसे खाता है और जाके बच्चों को खिलाता है। बच्चा छोटा होने की वजह से उनके श्वास नलिका में अटक जाता है या पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसके वजह से वो सड़ जाता है, उसके इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चा मरता है। या तो फर्स्ट बार ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी इनको बच्चे पालने का आदत नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे मरते हैं। ये कॉमन है, ये दिखने में आ जाता है। तो शुरू की जो ब्रीडिंग एक दो होती है वो ख़राब करती है, अक्सर बहुत कम चांस में इनके बच्चे पहली ब्रीडिंग में अच्छे मिलते हैं। तो आज हमने कॉकटेल के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। धन्यवाद।